देशों विदेशों की खबरें देखने लिए सब्सक्राइब करो साडा चैनल ते बेल आइकन दबाना ना भूलना। कुछ इस कदर से यार ने पूछा मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। तुसी देख रहे हो फगवाड़ा दे बाजार, चुप ने एक लंबा गहरा सन्नाटा है, शटर बंद ने और उन्हां ते लगे ताले आख रहे ने कि करोना का प्रकोप फगवाड़ा दे विच किन्ना क वड्डा है। देखा जाए तो पिछले लगभग 15 दिनों विच फगवाड़ा चिंता दियां रेखावां दे विच है और खास तौर पर इसे लई पंजाब इलैक्ट्रॉनिक्स अते ऑनलाइन मीडिया एसोसीएशन वालों एक लंबा यतन किया है। ये यतन है थोड़े तक फगवाड़ा दियां वो लेटेस्ट अपडेट पहुँचाने का, ये यतन है थानू नवीं जानकारियां नाल जाणू करवाने का, ये यतन है ग्राउंड लैवल ते जाके और रिपोर्टिंग के वख-वख रंगां नू थानू दिखाउण दा। और इस यतन दे विच अज साडे लई बहुत खुशी दी गल है, प्यूमा की टीम जो इस वेले पूरी सिर धड़ की बाजी लैके इस वेले फगवाड़ा दियां सड़कां ते है, वख-वख रंग थानू दिखावांगे। इस टीम दे विच साडे नाल ने फगवाड़ा दे विच वैब पोर्टर दे एक बहुत ही माहर नाम साडे नाल होणगे, हनीश मेहता जी मैनेजिंग डायरैक्टर ने हलचल टूडे दे। मेरे बिल्कुल नाल होणगे नौजवान एडिटर यतिन शर्मा जी यूटी मीडिया तो, और इस पासे होणगे वतन की राहें तो विनोद कनूचा जी, और साढ़े नाल होणगे एक बहुत ही तेज तरार पत्रकार एडिटर जिन्हां दियां तकरीरां नूं तुसीं सुणदे हो, जिन्हां दी कवरेज नूं तुसीं खासा पसंद करदे हो। साढ़े नाल होणगे प्यूमा दे स्टेट जनरल सैकटरी अते सांझ टीवी दे मैनेजिंग डायरैक्टर हरदीप तक्कर जी। तक्कर साहब, सबसे पहला तो मैनूं ये दसो कि इस वेले फगवाड़ा की वाकई खतरे। बिल्कुल, फगवाड़ा पहला तो आप कहें कि दुनिया खतरे जा पंजाब खतरे जा, पर फगवाड़ा आप अज स्पैशल आए हैं वाकई फगवाड़ा खतरे जा। आप जिन्हें भी अज इकट्ठे हुए हैं साथी, तुम भी कली कली शॉप तो जाके देखे, मेहता जी ने भी देखा, मैं भी अक्सर कले कले दुकानदार से जाना हाँ। दुकानदार काफ़ी घबराए हुए आ, दुकानदारों के चेहरे पर जरा सदमा भी दिखाई दे रहा। चैक दे बाजार जिहड़े चैक दे सी महक दे सी जिहड़े अपने रंगों में रंगे हुए सी, अज कितां दा लगदा? क्योंकि असी भी इस जिहड़े बाजार उहदा एक पार्ट आ, असी इत्थों शॉपिंग करते रहे हैं लंबे सालों तो, कितां दा लगदा? अज शनिवार का दिन है, शनिवार च रश बहुत हुंदा उदा, पर शटर बंद आ जिंदे लगे हुए। बिल्कुल, क्योंकि दुकानदारों ने काफ़ी वड्डे पद्धर से जिहड़े अपने काम करने वाले लड़के लड़कियां उन्होंने भी हटाया गया, क्योंकि वह भी दुकानदार भी अपनी जगह मजबूर सन क्योंकि की करना नहीं हो रहा, इन्हें रुजगार नहीं चल रहा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा जी, इस करके काफ़ी खतरे के बच्चे। पर ये आप जेकर कसूर सरकार का कढ़ी वह भी नहीं बनता, प्रशासन का भी नहीं बनता, क्योंकि यह तो कुदरती एक आफत आई है, उन्हों तो बचने लिए सानू परहेज तो करना पवेगा। यह हुआ सवाल है जिसका जवाब किसी को भी नहीं, पर एक जवाब असी हनेश मेहता को मंगते हैं, वैब पोर्टल के बहुत ही तेज तरार पत्रकार ने जिन्हों की पत्रकारी खास तौर पर क्रैडिबिलिटी जी उन्होंने होंगी है, जेडे जो उन्होंने कोई भी खास अपडेट आती है वो एकदम छा जाती सारे पासे। हनीश, पंजाब फगवाड़े की जो गल की जाए तो 10 दिनों के फगवाड़ा कितने खड़ा की थोड़े को खास जी? जे चाहना ही गल करिए फगवाड़ा की, जो स्टार्टिंग दौर से फगवाड़े के पेशेंट आते एक या दो, वो भी कई बार एक एक हफ्ता हो जाता सगा कि पेशेंट नहीं आता, पर अज जिहड़ा जे आपां 10 दिनों की गल करिए, किसी दिन 10 आ रहे, 15 आ रहे, पिछे 25 भी आए थोड़े दिन पहला, 12 जिन्हां विच कुछ नामवर हस्तियां भी आईयां, ते जे ये जिहड़ा क्रैडिट बढ़ रहा है करोना का फगवाड़े दे विच, उहदे वधन विच जे मैं अपना एक्सपीरियंस दसा तो मैं कुते ना कुते लोगों भी इस चीज़ का जिम्मेवार समझदा। एक जिहड़ी चिंता वाली गल आ कि फगवाड़े का हर एरिया स्प्रैड हो रहा, यह नहीं भी खास एक पर्टिकुलर इस एरिए ही करोना के पेशेंट आ रहे हैं, जे पिंडां दे विच आ रहे हैं तो शहर के अलग अलग हिस्से, भावें वह अर्बन कलोनिया ने भावें वह जिहड़ियां मध वर्गी कलोनिया है, उहदे विच भी करोना स्प्रैड हो रहा। मैं उही दस रहा चाहना जिदा हुण आपां जे देखिए कि हाले जिहड़ी टैसटिंग आ वह बहुत घट आ, टैसटिंग सिर्फ वो जो मान लो मैं करोना हों मेरे लिंक में जो कोई आता तो वो टैसटिंग हो रही है, जो नॉर्मल टैसटिंग हो केस होर बदलेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस। हरदीप, बहुत सारे लोग जिहड़ियां टीमां उन्होंने ये शिकवा है भी जो असी करोना टैस्ट लिए घर घर जा रहे हैं तो कुंडे भी नहीं खोलते लोग।
बिल्कुल चाहना जी लोगों के डर आ भी काश जे कि असी पॉजिटिव निकल गया साडा नुकसान होगा उन्होंने मन च यह आ भी साढ़े घर के मूहरे चिट लग जाएगी 14 दिन लिए सानू बाहर नहीं निकल देवेगा पर लोग ये नहीं समझते भी थोड़ी एक गलती थोड़े बच्चे या थोड़े बजुर्ग भी गाहां बीमार हो सकते हैं। यह एक बहुत चिंता का विषय आ जिहड़ियां सरकारी टीमां चाहे डॉक्टर आ चाहे पुलिस आ जे पीउमा वालों अज जिहड़ा कि इत्थों एस एच ओ बराड़ साहब ने भी गल की उन्होंने भी लोग कह रहे सख्त पर सख्ती उन्होंने भी दस्या भी अपनानी पवेगी जब लोग नहीं समझणगे लोग समझ जाणगे तो उत्थे सख्ती की भी लोड़ जिदा तकर साहब ने गल की कि बराड़ साहब कहिंदे सख्ती इन्हां दी गल बिल्कुल सही है कि बराड़ साहब जिहड़े सख्ती कर रहे हैं वह किसी लिए नहीं कर रहे ना वो अपने लिए कर रहे हैं वह सारी जनता लिए कर रहे हैं उन्हां दा मकसद है कि फगवाड़े नूं बचाया जाए तो इसलिए मैं लोगों को यही कहूँगा कि उन्हां दी सख्ती नूं सख्त नज़रिए नाल देखते हुए अपील उन्हां दी सुनन ते उस चीज़ ते अमल करन। आपां मैं एक सवाल पूछना चाहांगे आपां टीम अपनी सवेर दी अज घूम रही आ आवाजाई दे विच बहुता अनुपात घटिया नहीं आप देख रहे हैं कि कारां भी उवें जा रही टू व्हीलर भी उवें जा रहे हैं तुसीं की अपील करना चाहोगे मैं की जरूरत दीआं चीज़ां जब पता है लॉकडाउन है फिर भी वो आवाजाई क्यों नहीं घट नहीं चन्ना साहब ये देखने को मिले भी जरूरत चीज़ा रहने लोग बाहर नहीं निकल रहे लोग बहर यह देखने निकल रहे हैं कि मैं बाहर निकलिया या होर भी कई लोग बाहर निकल रहे हैं। यह करोना जो सीरीयसली नहीं लै रहे हैं जबकि करोना का जो दौर आ इस टाइम बहुत भयानक दौर आ पिछले 10 दिनों तो इन्ने क केस वध रहे हैं कि लोग घर घर के देख रहे हो बीमार भावें एक दिन लिए होवें 2 दिन लिए हो डर मारे लोग टैस्ट भी नहीं करा रहे टैस्ट ना कराने के चक्कर के उन्होंने नाल के भी बीमार हो रहे आंढ़ी गुआढ़ भी बीमार हो रहे सहमत अपलूचा साहब के लोग भी जो परहेज नहीं कर रहे लोग परहेज नहीं कर रहे तुम एक चीज देखी होनी है जिस टाइम लोग जा रहे मुँह तो मास्क नहीं लगा होंगे जिस टाइम उन्होंने पुलिस सख्त दिंदी है अपनी जेब मास्क कढ़ के दिखाते हैं कि मास्क मेरी जेब जबकि मास्क करोना देखते हुए जबकि मास्क उन्होंने अपने मुँह से लाना चाहिए है ना कि अपनी जेब रखना चाहिए है। आप सावधानियां वरतते भी नहीं साढ़े को भी अनगहलियां होंगे असं भी मीडिया के जो काम कर रहे हैं उस वेले बहुत सारिया साढ़े को भी गलतियां हो सकदियां पर सानू लगता कि हम लोगों थोड़ा जागरूक होने की चन्ना साहब सरकार बार बार अनाउंस कर रही है बार बार इतने जोड़े कि सीनियर अफसर चेतावनी दे रहे हैं लोगों बई तुम अपने आप को सांभ लो क्योंकि सितंबर का महीना बड़ा खतरनाक है जेकर आप सांभ लवेंगे तो बड़ी जल्द इसको आप कवर कर सकते हैं तो इन्ने वे पद्धर से फैल जाएगा इसको रोकना जोड़ा बड़ा औखा हो सकता है। टीवी पंजाब तो साढ़े न जसवीर जी जुड़े ने और उन्होंने पूछता है जसवीर जी जिमें फगवाड़े दे विच बहुत सारा करोना स्प्रैड हो रहा और की कहना चाहोगे कि हुण लोगों नू जरूरी आ कि वो सावधानियां वल नूं सीधा डायरैक्टली आ लोग तो मेरा ख्याल है कि सावधानियां जिन्नियां यथासंभव होंदियां वरतदे भी ने सरकार नूं चाहिए कि जिहड़े प्रबंध करने चाहिए आ सेहत दे मामले च वो थोड़ा जा दुरुस्त किए जा कि टैसटिंग कपैसिटी जी वधाई जाए फिर हस्पतालों के जड़िया सुविधावान जो कोई आंदा आ पॉजिटिव तो वह वधाइया जा नाल वड्डी गल है कि जी चेन आ करोना की वह किने पछाननी है वो सेहत अमले ने पछाननी है सरकार ने उद्ते काम करने लिए सेहत अमले को जोड़े निर्देश देने वो करन की बहुत ज़्यादा वड्डी जरूरत है। लोग मजबूरी ही बाहर निकलते जो मार पैंदी आ बेरोज़गारी की जो मार पैंदी आ रोजी रोटी की अणहोंदी उदो बाहर निकलते हैं शौकिया बाहर कोई नहीं निकल रहा। सेहत की गल की फगवाड़े विच दो तीन एहोजी क्रिटिकल मौत हुई जिदे मौत हो गई कि किसी ने बाह ही नहीं फड़ी हॉस्पिटल जलंधर भी लैके गया किसी हॉस्पिटल ने उन्होंने अटेंड ही नहीं किया सानू लगता साडा पंजाब का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ हैल्थ नू लैके वो भी बहुत ज़्यादा इस वेले कोई शक नहीं है ये तो पूरे मुल्क दे विच ही इहोजी स्थिति हैगी है कि सेहत के मामले कोई भी सरकार कोई एक सरकार नहीं है चाहे यूपीए की सरकार होवे ते चाहे एनडीए की सरकार होवे पंजाब दे विच चाहे अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार होवे ते भावें होवे कांग्रेस की सरकार सेहत के मामले च सिक्ख्या के मामले च ते सुरक्षा के मामले च ये तीन सस्यां तो साडियां सरकारां दूर ही है वो नज़र आईया हमेशा जे इस पासे पहला काम किए होंगे मेरा ख्याल है कि इस दौर दे विच बहुत सारिया दिक्कत आनिया नहीं सी क्योंकि पहला नहीं काम किए हूँ कहें असं इन्ने वेंटीलेटर लै लाँगे इन्ने हॉस्पिटल तैयार कर देंगे इन्ने जो कोई मरीज जाता उन्होंने वेंटीलेटर मिलता नहीं भावें लुधियाने बहुत सारिया सोशल मीडिया से भी वायरल होंगे चीज़ा वेंटीलेटर नहीं मिलता किसी भी वेंटीलेटर गए कितने इन्ने पैसे कहें केंद्र सरकार कहती असी स्टेट को देता पर इतने कोई वेंटीलेटर का नामो निशान ही नहीं नियोता जिहड़ा पी एम केयरस फंड सीगा उहदे च वी वाहवा कहिंदे पैसे कट्ठे होए आ ते हुकम भी दित्ता सीगा कि इहदे नाल असी इसे दौर दे उत्ते पैसे खर्चने आ कित्थे खर्चे अजे तक कोई लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं आया। मुख्यमंत्री राहत फंड जो उहदी गल कर लईए इहदे पैरल उन्होंने भी पैसे कट्ठे किए सीगे मुख्यमंत्री होरां ने भी पैसे वाहवा कट्ठे किए ते जे उह खर्चे होए हुंदे
तो मेरा ख्याल है कि मौतों का अंकड़ा एदू घट होना सगा जिन्या मौतें पंजाब हो गई या फिर भारत च हुई ने। तकड़ साहब की अपील करना चाहोगे प्यूमा वालों थोड़ी की अपील आ लोगों हूँ क्योंकि फगवाड़ा असी सुरक्षित कर लोगों भी अपील आ तो सरकार भी अपील आ क्योंकि बाकी जी जसवीर जी ने गल कही आ जदों लोगों के कोल खाना नहीं होगा लोगों को काम नहीं होगा तो वह बाहर आने तुम वेख्या होगा जदों तो करोना शुरू होया उदों तो ही अकाली भाजपा कांग्रेस से इल्जाम रही आ कांग्रेस अकाली भाजपा चला रहे भी कोई कह रहा इन्होंने पंजाब सरकार वालों जो आया समान वो खा लिया कोई कहें भी केंद्र सरकार का इन्हें दिता नहीं ग्राउंड फील्डिंग इस वेले आ कि नहीं मिल रहा लोगों जे वो बीमार आ तो उन्होंने हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल रहा जे वेंटीलेटर की लड़ आता वेंटीलेटर नहीं मिल रहा ग्राउंड फील्ड के जो करोना चलिया उदों मिल रहा सरकार पक्षों नहीं लोगों वालों संस्थावान वालों जथेबंदियों वालों धार्मिक चाहे मंदिर चाहे गुरुद्वारा उन्होंने वालों मिल रहा है पर लंबा समा चलन के कारण हर कोई थक हार जाता क्योंकि कितों इन्ना लैके आ जी सरकार की जिम्मेवारी सरकार ही निभा सकती है जेकर हुण आपां लॉकडाउन की गल करते हैं जां लोगों को घरां विच रखण लई गल करते हैं तो लोग कित्थे जाण जेकर आपां विदेशां की गल कर लईए तो तुहाडे भी रिश्तेदार बाहर आ मेरे भी बाहर आ वो कह रहे भी सानूं 2-2 हज़ार पाउंड जां 5-5 हज़ार डालर साडे खात्यां दे विच सरकारां पा रहीआं चुप करके घर में बैठे आ उत्थे कोई सड़क ते नहीं दिस रहा उत्थे कोई पुलिस नहीं धक्के नाल अंदर बाहर रही उत्थे कोई डॉक्टर नहीं पीलां कर रहा इलाज के लिए डॉक्टर आउंदे आ वधिया कर रहे आ इत्थे उल्टा लोग डॉक्टरां तों डर रहे आ इतने जो कोई करोना पॉजिटिव आ जाता अपने घर च बढ़ जाता वो कहता मैं सिविल हस्पताल नहीं जाना बे उत्थे जे मैं चल गया तो शायद मेरा बचा ही ना। तो ये साडी प्यूमा की खास जागरूकता लहर करोना नू और तुसी देख रहे हो ये वॉरियर बन के उभरे है साडे प्यूमा के सारे सीनियर मैंबर जिन्हां विच अज दी इस चर्चा दे विच भाग लिया सी सांझ टीवी दे हरदीप तग्गड़ जी साडे नाल सन टीवी पंजाब तो भी साडे नाल दो बहुत ही खास पत्रकार बॉबी जी साडे नाल जसवीर जी साडे नाल जुड़े आ वतन की राहें तो कलूचा साहब साढ़े नाल जुड़े हुए हैं और यतिन जो है शर्मा वो यूटी मीडिया तो आने वाले समय के खास तौर पर प्यूमा का ये यतन जारी रहेगा अते इसे तरह दियां होर जो चर्चावां आ उसी थोड़े तक पहुँचाते रहेंगे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। देशों विदेशों दी खबरां देखने लई सबसक्राइब करो साडा चैनल ते बैल आइकन दबाना ना भुलना।